दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज गोरखपुर के राजनीति विज्ञान विभाग एवं संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के संयुक्त तत्वावधान में अमृत महोत्सव के अंतर्गत काकोरी ट्रेन एक्शन में बलिदानी वीर सपूतों के स्मृति में काकोरी क्रांति बलिदानी नायकों का श्रद्धा पर्व विषय पर विशिष्ट व्याख्यान का दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के सभागार में आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे SP साउथ अरुण कुमार सिंह ने वीर अमर शहीदों के चित्र पर पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर SP साउथ अरुण कुमार सिंह ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि स्वतंत्रता समर के बलिदानी महानायक शास्त्र एवं शस्त्र दोनों विधाओं में पारंगत थे। एक तरफ उन्होंने अपनी लेखनी से स्वतंत्रता आंदोलन को वैचारिक गति प्रदान किया तो दूसरी तरफ स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन की क्रांतिकारी विचारधारा को पोषण व संबल के लिए काकोरी ट्रेन एक्शन को अंजाम दिया ताकि उस प्राप्त धन से शस्त्रों की व्यवस्था हो और शीघ्र भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हो। उन्होंने कहा कि काकोरी के अमर बलिदानी महानायकों में राजेंद्र लहड़ी को गोंडा जेल, अशफाकुल्ला खां को फैजाबाद जेल, रामप्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल एवं ठाकुर रोशन सिंह को इलाहाबाद के मलाका जेल में फांसी दी गई तथा अन्य क्रांतिकारियों को काला पानी व कारावास मिली। ब्रिटिश साम्राज्य के इस निर्णय से हमारे क्रांतिकारी हतोत्साहित नहीं हुए बल्कि अपने प्राणों का बलिदान कर क्रांतिकारी आंदोलन को एक नया दिशा प्रदान किया और यह घटना स्वतंत्रता आंदोलन में मील का पत्थर साबित हुआ। इस अवसर पर प्रदेश सरकार के खेल व युवा मामलों के पूर्व राज्य मंत्री डॉक्टर विभ्राट चंद्र कौशिक, डॉक्टर प्रियंका सिंह, संयोजक इंद्रेश कुमार पांडे, शैलेश कुमार सिंह, डॉक्टर अखिल कुमार श्रीवास्तव, डॉक्टर RP यादव, डॉक्टर कमलेश मौर्य, अंकित पांडे सहित राजनीति विज्ञान विभाग के समस्त विद्यार्थी उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए दिग्विजय नाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर OP सिंह ने कहा, वंशज हम हैं, वरना कहीं न कहीं आने वाली नस्लें इस नाते मैं फिर कहूंगा, इनके सिद्धांतों से, इनके मुद्दों से, इनके जज्बातों से भटकना कहीं न कहीं हमारी वल्दियत पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है और दुनिया में किसी भी इंसान की वल्दियत का प्रश्न चिन्ह खड़ा हो इससे बड़ी कोई गाली नहीं हो सकती। तो हम किनके वंशज हैं ये याद रहे और ये भाव बरकरार रहे कि खून के बदले जो दे देते हैं आजादी, उनसे कह दो कि खून दोबारा ले लें, उनसे कह दो। दूसरी बात जो मैंने सोचा कह दूं, उनको जो उद्घोषक थे उस समय के, उन्होंने कहा कि आज के विशिष्ट अतिथि परम आदरणीय कलाम साहब से अनुरोध करेंगे कि दो शब्द कहें, तो उन्होंने कहा कि मैंने अब तक संचालक के आदेशों की अवहेलना, क्योंकि उन्होंने सिर्फ दो शब्द कहने के लिए कहे थे और मैंने तो आधे घंटे का प्रवचन आपको दिया, लेकिन बात दो शब्दों में भी कही जा सकती है और वो दो शब्द गांठ बांध लीजिए जीवन में, अगर आपके मन में है तो आप हमेशा एक अलग पहचान में होंगे। वो दो शब्द क्या है, उन्होंने जो दो शब्द मुझे बताए आपको बता दे रहा हूं, उनका वो दो शब्द है, जय हिंद। देश में नई क्रांति आई थी। सुप्रभात आदरणीय प्राचार्य महोदय, उपस्थित शिक्षक गण एवं मेरे प्रिय साथियों, के बारे में अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आजादी एक ऐसा शब्द है जो प्रत्येक भारतवासी के रगों में खून बनकर दौड़ता है। अंग्रेजी शासन के द्वारा हमें इस प्रकार जकड़ लिया गया है कि हमारा देश आज पूरी तरीके से जर्जर अवस्था में बुढ़ापे की ओर अग्रसर होने लगा। आज हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं तथा पूरे विश्व में भारत की एक पहचान है। हम आजादी की खुली हवा में सांस ले रहे हैं तथा हमारा अपना संविधान है, लेकिन जरा सोचिए कि क्या हमें ये स्वतंत्रता बिना किसी प्रयास के मिले? नहीं, स्वतंत्रता पाने हेतु हमने अथक प्रयास किए। भारत माँ के कई सपूतों ने अपने खून से आजादी नामक इस वृक्ष को सींचा है, अपने लहू से सींचा है आजादी के मतवालों ने, अपने लहू से सींचा है आजादी के मतवालों ने, दे दी अपनी जान भारत माँ के लालों ने। ये काकोरी के जो अमर शहीद हैं,
आज ही के तीन शहीदों को फांसी की सजा हुई थी, जिसमें पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर की जेल में, अशफाक उल्ला खां जी को फैजाबाद की जेल में और शहीद रोशन सिंह को इलाहाबाद की जेल में। तो इस क्रांति के उद्घोष करने वाले अभिनव क्रांतिधर्मी प्रयोगधर्मी लोगों के प्रति पूरे राष्ट्र के तरफ से एक कृतज्ञता का भाव प्रकट होना चाहिए, उनको नमन करने के लिए, उनके प्रति अपनी क्रियात्मक श्रद्धांजलि देने के लिए एक विशिष्ट व्याख्यान का आयोजन हुआ है, जिसमें मुख्य वक्ता और मुख्य अतिथि के रूप में गोरखपुर के SP ग्रामीण डॉक्टर अरुण कुमार सिंह हमारे बीच आए हैं, उनका उद्बोधन हुआ है और साथ में युवा और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री रह चुके डॉक्टर विवराज चंद कौशिक जी भी विशिष्ट अतिथि के रूप में हैं।